Good morning, students. Today we are going to start the first topic of the mathematics. Okay, so first topic name is let's find the shapes. हमें क्या करना है first इसमें हमें shapes find करने हैं. Okay, let's find shapes. अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट्स देखो, अगर हमने कुछ फ्रूट्स देखते हैं या कुछ वेजिटेबल्स देखते हैं, तो उनमें का हमें जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो होती है वो हर एक चीज में ज्योमेट्रिकल फिगर रहती है. ओके, वो हमें फाइंड करते आने चाहिए. ओके, तो आज हम वही पढ़ेंगे. ओके, सो लुक एट दिस पिक्चर. ओके, इन दिस पिक्चर, इन फर्स्ट पिक्चर देर इज अ कैरट. ओके, कैरट है यहाँ पे. इस कैरेट का शेप कौन सा दिख रहा है? देखो कैरेट का शेप कैसा, कैरेट कैसा रहता है? इस तरह से रहता है कैरेट, इस तरह से कैरेट रहता है. ओके, इसका शेप कौन सा है? कौन शेप है, कौन शेप दिख रहा है ये? ओके, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट फिगर में देखो इस बॉय के पास क्या है, एक बॉय के पास पास क्या है? टोमेटो है और ब्रिंजल्स है. ओके, सो टोमेटो, रेड कलर का टोमेटो दिख रहा है, इस तरह से रेड कलर का टोमेटो है उसके पास. सो टोमेटो का शेप कौन सा दिख रहा है हमें? स्पीयर शेप है, राउंड शेप है. ओके, सो ये राउंड शेप हो गया. इस तरह से हमें कोई भी जो कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो उनमें का फिगर हमें फाइंड करते आना चाहिए. देन ब्रिंजल, ब्रिंजल इस तरह से होता है, कोई लॉन्ग वाला रहता है, कोई राउंड शेप में रहता है. ओके, सो ये ब्रिंजल है, ब्रिंजल कौन से शेप का है? राउंड शेप का है. ओके, सॉरी लॉन्ग है, ब्रिंजल लॉन्ग वाला है. देन नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो एक गर्ल है, एक गर्ल से उस गर्ल के पास क्या दिख रहे हैं हमें? कुकुम्बर दिख रहे हैं, कुकुम्बर्स है, टू कुकुम्बर्स है उसके पास, ग्रीन और फ्रेश कुकुम्बर्स है. तो कुकुम्बर का शेप कौन सा दिख रहा है हमें? देखो सम स्ट्रेट सिलेंडर्स, सिलेंडर जैसे स्ट्रेट कुकुम्बर्स है. देखो कुकुम्बर इस तरह से है, इस तरह से उसके पास कुकुम्बर्स है टू. ओके, तो उनका शेप कौन सा है? सिलेंडर है. तो इसी तरह से अगर कोई भी चीजें हो तो हमको उसके ज्योमेट्रिकल फिगर्स यानी शेप्स उनके पता होने चाहिए. ओके, देन नाउ वी स्टडी टूडेज लेट्स हैंडल ज्योमेट्रिक शेप्स. सो आज हम क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिक शेप्स पढ़ेंगे. लेट्स हैंडल ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक शेप्स. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिक शेप्स पढ़ेंगे. सो लुक एट दिस टेबल, ऑन दिस टेबल, अबव दिस टेबल देर आर सम फिगर्स ज्योमेट्रिकल एंड देर आर सम ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो ये जो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं हमें इस टेबल पे, तो उस टेबल पे जो ऑब्जेक्ट्स है उस ऑब्जेक्ट्स में कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स दिए हुए हैं. या तो हमें जो ऑब्जेक्ट्स में ज्योमेट्रिकल शेप्स फाइंड करनी है. ओके, सो फर्स्ट वी हैव सी द क्यूबॉइड. हम क्यूबॉइड पढ़ेंगे. क्यूबॉइड कैसे रहता है? क्यूबॉइड कैसे रहता है? आपको पता है मिठाई का बॉक्स, मिठाई का बॉक्स कैसा रहता है? उसका शेप कैसा रहता है? इस तरह से रहता है. देखो क्यूबॉइड या पैरल ले लो, क्यूबॉइड बोलो, तो ये इस तरह से डब्बे का शेप रहता है, पूरा पैक रहता है, तो उस वो शेप इस तरह से रहता है. ओके, तो ये क्या हो गया? क्यूबॉइड हो गया. ओके, तो क्यूबॉइड क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड को पिक अप एंड हैंडल अ मिठाई बॉक्स. मिठाई के बॉक्स जो होता है शेप, उसका जो शेप होता है वो सच एज क्यूबॉइड जैसे रहता है उसका शेप, उसे हम क्यूबॉइड बोल सकते हैं. ओके, सो हाउ मेनी एजेस इन क्यूबॉइड? क्यूबॉइड में कितने एजेस होते हैं? देयर आर 12 एजेस. ओके, लुक एट दिस, 1 1 2 3 4. ओके, 5 6 7 8 9 10 11 and 12. क्या हो गए? क्यूबॉइड की एजेस हो गई. देर आर 12 एजेस है क्यूबॉइड में. देन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? कोन. नेक्स्ट क्या देखेंगे हम ज्योमेट्रिकल फिगर में?
कौन रहता है। अच्छा हम कौन पढ़ेंगे, कौन में कितने एजेस होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं, कर्व सरफेस कितने होते हैं, वो पढ़ेंगे आज हम। तो कौन कैसे निकालते हैं हम, इस तरह से कौन रहता है, इस तरह से रहता। कौन, व्हाट इज कौन, अ शेप लाइक क्लोन कैप और फुल कैप। ओके, शेप कैसा रहता है, क्लोन कैप जैसे रहता है और फुल कैप जैसे रहता है, तो उसे हम कोन बोलते हैं। आपको पता है वो बर्थडे में जो कैप लगाते हैं बच्चे, छोटे बच्चे को, तो वो कैसे दिखते हैं, कोन जैसे दिखते हैं, इस तरह से रहते हैं वो, इस तरह से रहते हैं, उसपे कुछ इस तरह से ट्रायंगल्स रहते हैं, कुछ सर्कल्स रहते हैं इस तरह से। ओके, तो ये कोन हो गया, इसे हम कोन बोलते हैं। सो हाउ मेनी एजेस इन कोन, कितने एजेस रहते हैं कोन में, देर आर वन एजेस, लुक एट दिस इज द एजेस, वन एजेस इन कोन। ओके, कोन में कितने एजेस रहते हैं, वन एजेस रहते हैं। कॉर्नर्स कितने रहते हैं कोन में, देर आर वन कॉर्नर। देखो यहाँ पे टू लाइन टच हो रही है तो ये कॉर्नर हो गया, सो वन कॉर्नर, वन कॉर्नर्स हो गए। ओके, और ये क्या है जो राउंड रहता है उस तरह से, अभी यहाँ पे टू लाइन दिख रही है हमें इस तरह से स्लोपिंग, लेकिन जब हम ऐसे फिगर दिखते हैं कौन, जो कैप रहती है फ्रंट क्लैप कैप, उसका जो फिगर रहता है इस राउंड शेप रहता है, इससे हम उसे क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस बोलेंगे उसको। कर्व सरफेस होगा ये जो पूरा सरफेस होगा, ये क्या होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस बोलेंगे। ओके, तो कोन, कोन किस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है। कोन में कितने एजेस होते हैं, देर आर वन एजेस एंड वन कॉर्नर्स। ओके, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, सिलेंडर, अबाउट सिलेंडर। सिलेंडर भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है, तो आज हम सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। सिलेंडर, आपको पता है वाटर बॉटल, जो हम वाटर रखते हैं बॉटल में, उस बॉटल का शेप कैसे रहता है, उस बॉटल का शेप रहता है सिलेंडर। देखो अगर इस तरह से बॉटल है कोई, इस तरह से बॉटल है एक, ओके, ये वाटर बॉटल है, इसमें कुछ वाटर्स हैं, तो ये वाटर जो है वो, उसे हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं, सिलेंडर लाइक रहते हैं। ओके, तो इस शेप जो है सिलेंडर लाइक है। ओके, तो हम इसे सिलेंडर बोलेंगे। सो इन दिस पिक्चर हाउ मेनी कॉर्नर्स इन दिस सिलेंडर, हम इस सिलेंडर को इस तरह से भी निकाल सकते हैं, देखो इस तरह से निकालते हैं, ये बॉटल है लेकिन ये सिलेंडर हम निकालते हैं वह इस तरह से निकालते हैं। ओके, सो हाउ मेनी कॉर्नर्स इन सिलेंडर, देर आर नो एनी कॉर्नर्स, यहाँ पे कुछ कॉर्नर्स दिख रहे हैं क्या, नहीं है, नो कॉर्नर्स, नो कॉर्नर्स इन सिलेंडर। ओके, सिलेंडर को कितने एजेस होते हैं, हाउ मेनी एजेस इन सिलेंडर, कितने एजेस होंगे सिलेंडर में, देर आर, लुक एट दिस, देर आर टू एजेस, वन एंड टू, हाउ मेनी एजेस, वन एंड टू, सो देर आर टू एजेस। ओके, सिलेंडर में कितने एजेस होते हैं, टू एजेस होते हैं, इस तरह से ए वन इस सेकंड, और ये वन और टू, टू एजेस है सिलेंडर में। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे टू लाइंस दिख रही है इस तरह से। ओके, टू लाइंस यानी जो बॉटल का जो पूरा राउंड वाला सरफेस होता है, इस तरह सरफेस रहता है राउंड वाला, अभी हमें ड्रॉ की है यहाँ पे लाइन, तो इस तरह से लाइन दिखेगी, लेकिन हम जब बॉटल देखते हैं तो उसका जो राउंड वाला सरफेस रहता है, उसे कितने कर्व सरफेस रहता है, वन कर्व सरफेस रहता है इन सिलेंडर। ओके, सिलेंडर में वन कर्व सरफेस रहता है।